नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने कल का वीडियो देखा था, हमने वीडियो बनाया था कि कैसे आप यूट्यूब और गूगल क्रोम पर अपने इंटरनेट डेटा को सेव कर सकते हैं, कुछ सेटिंग्स बताई थी। आज ऐसी ही कुछ सेटिंग्स हम फेसबुक में बताने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि फेसबुक यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा हैं और फेसबुक चलाने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में दोस्तों, फेसबुक पर जो आजकल वीडियोस आने लगे हैं, उनमें कई सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं और उसमें आपका डेटा बहुत ज़्यादा चला जाता है, जो HD क्वालिटीज़ में वीडियो चलते हैं। तो ऐसी कुछ हम सेटिंग्स बताएंगे, जो सेटिंग्स आप कर लेंगे, इसके बाद आपका जो है डेटा दोस्तों उस पर कम लगेगा। आपको चलना है आपके फेसबुक पर, और फेसबुक पर चलने के बाद आप यहाँ सेटिंग्स पर आएंगे। सेटिंग्स पर आने के बाद नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर, तो पहला ऑप्शन आ रहा है सेटिंग्स का, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ प्रेफरेंस में आइए और यहाँ जो मीडिया का ऑप्शन आप देख रहे हैं लैंग्वेज एंड रीजन के नीचे, इस मीडिया पर क्लिक करना है। और दोस्तों, इसके अंदर ही है मीडिया से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़। आप शुरू से पढ़िए, सबसे पहला ही ऑप्शन है ऑप्टिमाइज्ड एडजस्ट वीडियोस टू नेटवर्क कंडीशंस। दोस्तों, जैसी आपकी नेटवर्क की कंडीशन होगी, उसके अकॉर्डिंग वीडियो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका डेटा बहुत अच्छा आ रहा है तो ये HD क्वालिटी में चला जाएगा, और इसको आप क्या करेंगे कि आपका डेटा जो है जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको बंद कर दीजिए यहाँ से। आप जैसे ही इसको बंद कर देंगे दोस्तों, क्योंकि जो है ये यहाँ से आपको बताएगा कि आप अगर बहुत अच्छे नेटवर्क में हैं, तो ये जल्दी जल्दी डेटा यहाँ से चला जाता है। डेटा सेवर में देखिए दोस्तों, यूज़ अप टू 40% लेस डेटा बाय रिड्यूसिंग वीडियो क्वालिटी। आप जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑप्टिमाइज्ड हट गया है, और यहाँ पर अब 40% तक आपके वीडियो क्वालिटी लेस हो जाएगी। और इस पर ही आप देखेंगे तो ये डेटा सेवर का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपका डेटा उतना खर्च नहीं होगा जितना खर्च होता है। इसके बाद दोस्तों, जो ऑटो प्ले है, ये जब से ये कंसेप्ट आया है, कुछ लोगों को लगता है कि जब तक हम उस वीडियो पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक हमारा डेटा जाएगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑटो प्ले अगर आपका वीडियो चल रहा है, विच मीन्स कि आपके डेटा की स्पीड बहुत अच्छी है, और उस स्पीड का फ़ायदा उठाकर ऑटो प्ले ऑन है। देखिए, जैसे कि हमारे कंडीशन में हमने मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों पर ऑन रखा है, आप इसको वाईफाई पर कर दीजिए। जब भी आप वाईफाई में कनेक्ट होंगे तब आप ये ऑटो प्ले देख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल डेटा पर हैं तो आपको जो है यहाँ पर टिक नहीं करना चाहिए। और दूसरा दोस्तों, नेवर ऑटो प्ले वीडियोस, मतलब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अब आपका कोई भी वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होगा ही नहीं। तो दोस्तों, ये सेटिंग भी आप कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो स्टार्ट्स विद साउंड, रिड्यूस 3D फोटो मोशन। दोस्तों, जो 3D फोटो मोशन का कॉन्सेप्ट फेसबुक लेकर आया है, जब हम ड्रैग करते हैं फ़ोटो को ऊपर से लेकर नीचे तक, तो हमें एक डायनामिक तरीके से दिखाई देता है फ़ोटो, और लगता है कि फ़ोटो में कुछ जो है डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको हमने डिसेबल कर रखा है। ये दोस्तों वो सेटिंग्स थी, जिन सेटिंग्स को आप कीजिए आपके फ़ोन में, फेसबुक के ऑप्शंस में आकर आपका डेटा जो है, जाहिर सी बात है 50% डेटा आपका बचने लगेगा। अगर दोस्तों मान लीजिए 500 MB डेटा आपकी फेसबुक रोज खा रही है, तो आप तकरीबन 200 MB डेटा, 300 MB डेटा उस पर बचा पाएंगे आसानी से इन सेटिंग्स की मदद से। और ये सेटिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं दोस्तों, और इनकी नॉलेज जितनी आप अपने और दोस्तों को दे सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, उसको दीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।